यहाँ पर आप सब देख सकते हैं गाइस इबॉय में 27 गन स्किन एंड इसके अंदर जो कि है इसे हम यहाँ से अपग्रेड करने वाले हैं। ये रहा नहीं जाता। सो है गाइस कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को न्यू इबॉय में 27 का जो गन स्किन है उसे यहाँ से हम अपग्रेड करने वाले हैं और इसे अपग्रेड करने के लिए कितना डायमंड मेरा यहाँ से लगने वाला है सब कुछ दिखाने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। समझ रहे हो आप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो अभी जो आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये मेरा फ्रेंड का आईडी है जिसके अंदर हम ऑलरेडी टॉप अप कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ से टॉप अप इवेंट के अंदर आते हैं और जो टोकन हम सबको मिल रहा था ये वो M87 का उसको यहाँ से जल्दी से क्लेम कर ले कहते हैं एंड क्लेम कर लेने के बाद यहाँ से इसको जो कि अपग्रेड करने वाले हैं। तो फटाफट से इसको क्लेम कर लेते हैं जल्दी। चलो यार ये तो क्लेम हो चुका है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं एंड यहाँ से बैक चले आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ से चले आते हैं वेपन के अंदर और उसके बाद इबो गन में आते हैं। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं गाइस इबो में 27 गन स्किन एंड इसके अंदर जो कि है इसे हम यहाँ से अपग्रेड करने वाले हैं। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उससे पहले आप सब थोड़ा एनिमेशन आप सब देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से दिखने वाला है इसे। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद सबसे पहले आते हैं मिस्ट्री शो इवेंट के अंदर क्योंकि सही खेल गया बैंच कि यहाँ पर भी वो M87 का जो कि है टोकन वो मिल रहा है गाइस। तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं एंड यहाँ से भी परचेस कर लेते हैं जितना हो सके उतना टोकन यहाँ से लेने वाले हैं गाइस ताकि फुल मैक्स से हम उसे कट सकें अपग्रेड। तो चलो यार यहाँ से आप सब देख सकते हैं ये रहा टोकन, इसको यहाँ से मैक्स करके ले लेते हैं जो कि 50 प्लस टोकन हम सबको यहाँ से मिल चुका है। उसके बाद और भी अगर कोई अच्छा रिवॉर्ड से है तो उसे भी हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं फटाफट से एंड उसके बाद आप सभी लोगों को इवो M87 का जो गन स्किन है उसे अपग्रेड करने वाले हैं। तो और कौन सा रिवॉर्ड परचेज करेंगे गाइस यार, कौन सा करेंगे, कौन सा अच्छा रिवॉर्ड से है यार। तो चलिए यहाँ से AK-47 का जो टोकन है अपग्रेड करने का उसे भी हम यहाँ से परचेस कर लेते हैं। तो ये रहा टोकन, इसको भी यहाँ से फुल मैक्स कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से परचेस कर लेते हैं जल्दी से एंड उसके बाद और भी रिवॉर्ड से देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा रिवॉर्ड से है एंड उसको भी यहाँ से परचेस कर लेते हैं। उसके बाद जो कि है इबो M87 को अपग्रेड करने वाले हैं। तो चलो यार यहाँ से कौन सा रिवॉर्ड से परचेस करें गाइस। चलो यहाँ से ये ग्लूवल का स्किन मुझे अच्छा लगा इसके अंदर, तो चलो ये ग्लूवल का स्किन हम इसमें परचेज कर लेते हैं। मेरा अपने आईडी में तो दूसरा वाला ग्लूवल का स्किन लिए थे बट इसमें ये वाला ग्लूवल का स्किन ले लेते हैं। तो चलो यार यहाँ से ये मिल चुका है। इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं एंड उसके बाद और भी रिवॉर्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिवॉर्ड्स है इसके अंदर और जो भी अच्छा लगेगा उसको यहाँ से हम परचेज करने वाले हैं। सब के सब रिवॉर्ड्स ले लेंगे गाइस, सभी डायमंड बहुत सारा है मेरे पास। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए, आप सब देख सकते हैं। तो चलो यार यहाँ से और कौन सा रिवॉर्ड्स परचेज करें। ये फेलेको पेट तो ठीक ठाक ही है गाइस, तो चलो यहाँ से ये जो फेलेको पेट का पेट है इसको यहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो चलो ये भी यहाँ से मिल चुका है फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड इसको भी यहाँ से ओके कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो कि है बैग आते हैं और यहाँ से कट कर लिए एंड कट कर लेने के बाद बैग चले आते हैं। उसके बाद जो कि है इबो M87 को अपग्रेड करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से फाइनली हम बैग आ चुके हैं एंड उसके बाद से ले आते हैं यहाँ से वेपन के अंदर और वेपन में आने के बाद जो कि है इबो M87 को अपग्रेड करने वाले हैं गाइस। उससे पहले आप सभी लोगों को अभी जो हम पेट परचेज किए हैं वो आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो किधर गया गाइस, ये रहा हमारा फेलेको पेट जो कि अभी हम इसे परचेज किए थे। तो इसका जो कि ये स्किन भी पड़ा है और रेडी सबसे पहले, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको जो कि हम मैक्स लेवल कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट से जल्दी से। उसके बाद जो जो रिवॉर्ड से हम परचेज किए हैं वो आप सभी लोगों को सबसे पहले दिखा देते हैं एक बार। उसके बाद जो कि है इबो M87 को भी अपग्रेड करने वाले हैं गाइस। बस आप सब बने रहिए हमारे वीडियो के साथ जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है आप सभी लोगों को गाइस। क्या कर रहे हैं यार तू, मतलब मजाक है क्या?
तो चलो यार ये फुल मैक्स हो चुका है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद जो भी है फिर से यहाँ से चले आते हैं वेपन के अंदर, और वेपन में आने के बाद जो कि हम ग्लूअल का स्किन परचेज किए थे वो भी आप सभी लोगों को एक बार सबसे पहले दिखा देते हैं। तो ग्लूअल का स्किन किधर गया गाइस, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं बहुत सारा ग्लूअल का स्किन है। तो ये अभी अभी हम परचेज किए थे, इसको यहाँ से जो कि है इक्विप कर लेते हैं। उसके बाद जो कि है इवो मैट्रिक्स 7 को भी अपग्रेड करने वाले हैं गाइस, आप सब बस देखते जाइए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। फटाफट से उसको भी अपग्रेड कर लेते हैं, एंड फिर से यहाँ से बैग चले आने के बाद फिर से उसके बाद चले आते हैं वेपन के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद इवो गन के अंदर चले आते हैं, और सबसे पहले हमारा जो इवो एमिटेड 7 है इसको यहाँ से अपग्रेड कर लेते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो आप सब इसका एनिमेशन आप सब देख सकते हैं गाइस, 2 लेवल 3 लेवल एंड 4 लेवल पर कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहां से इसे हम अपग्रेड कर चुके हैं गाइस, जो कि 3 लेवल पर आप सब देख सकते हैं इसका न्यू लुक, एंड 4 लेवल को इसको अपग्रेड करने पर जो कि हमारा किल इफेक्ट होगा वो यहाँ से मिलने वाला है गाइस, आप सब देख सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, किल इफेक्ट आप सभी लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा 4 लेवल पर एंड 5 लेवल और 6 लेवल पर, और 5 लेवल करने पर तो गाइस और टोकन लगने वाले हैं। तो इतना सारा टोकन तो अभी मेरे पास है भी नहीं, कुछ भी एंड इसे फुल मैक्स अपग्रेड करने के लिए काफ़ी सारा टोकन चाहिए गाइस, और काफ़ी सारे डायमंड्स भी इसके अंदर लगने वाले हैं। और इसके साथ ही AK-47 का जो टोकन परचेस किए थे वो भी कम पड़ रहा है गाइस, वो भी अभी और भी टोकन परचेस करना पड़ेगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो चलो इसको भी यहाँ से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सब तो 4 लेवल का ऑलरेडी किया हुआ है, एंड फिर से टोकन मिलेगा तो फिर से हम इसे अपग्रेड करने वाले हैं। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन सबको भी इसके बारे में पता चल सके। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।